बसंत का जो कलर है, बसंत जो है ये एक मौसम की तब्दीली है। मौसम में बहार में ये पतंगे रंग बिरंगी उठती हैं, जैसे फूलों पे रंग फसलें तैयार होती है और रंग बिरंगी फूल तैयार होते हैं। वो इसी तरह ये जो पाकिस्तानी है ये खुशी का इजहार करते हैं कि पतंगे रंग बिरंगी उड़ा के मौसम बहार की आमद का ये होता है। तकरीबन 40 साल पहले की बात है, एक मुकाबला हुआ जिसमें उस्तादों के नाम आए, बहुत बड़ी मीटिंग हुई मिंटो पार्क में। मैंने उस्ताद बोधी का शिगिर्द जिसका नाम शेख सईद है, उसके साथ मुकाबला हुआ। उनमें से 11 पेज जो काटेगा, 11 पेज होंगे, उनमें से जो 6 पेज काटेगा ना वो विनर करार दिया जाए। तो 3 माह गुजरने के बाद मैंने उसको जीता, उसने 3 पेज काटे, मैंने 6 पेज काटे। तो उस्ताद मोदी ने आके मुझे शाबाश दी और कहने लगा मेरा इतना अच्छा शागिर्द आपने जीत लिया है उसको। और मैंने फिर उस्तादों ने मुझे पग बनाई और मुझे उस्तादी का खिताब मिला। और उसके बाद फिर मैंने 21 लड्डू बनवाए, और 21 लड्डू बनवा के सारी दफ़ों को, जितनी दफ़े की साड़ियों को दिए। तो उसके बाद और भी बहुत मुकाबले हुए हैं कपों के, जिनमें से मैंने आज तक शिकस्त नहीं खाई और जीता है, और चैंपियन का खिताब मुझे मिला है। मैनू पता है मैं काम कुम करता ही ना, बस माड़ी मोटी गुड्डी शुड्डी चढ़ती ही, तो मैं भी बस एक दो शुगर, मैं चलो शुगर मेले हो गए। मैं उत्ते छत चढ़िया ना, मैं गुड्डी एक दिन मैं भी लैन दी दो गुड्डी, तो मैं डालना शुरू कर दिता। फिर हौले हौले मैनू भी आदत पेंदी पेंदी, मैनू भी शौक पै गया गुड्डी, मैं भी डालन लग गया। चलो यार असं भी डाने, सारे दुनिया डांदी, असं भी गुड्डी डाने। उत्थे मैं डांदे डांदे बस यहो जे कारोबार पै गए, गुड्डिया ने डाओ वढो, लोगों दिया बो कराओ, खिचो हथ फेरो, पेचे लड़ाओ, अपने आप में रौला पुआओ, नचो भंगड़े पुआओ। ये हमारे पास बारीक डोरे भी हैं, और सबसे मोटी डोर जो हमारे पास 35 नंबर है, इससे ऊपर डोर जो है वो काटती नहीं है। हमारे पास कांच है, माया है, माया जो है निशास्ता होता है, वो मिठाई के काम में भी आता है, उससे हम लगाते हैं। ये जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं ये बेकार है। और शीशे की काट होती है, एम्ब्री कोई काट नहीं होती, एम्ब्री से हाथ से होते हैं। हमारे पास सिर्फ शीशा, माया और इसमें रंग डालते हैं। वो जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ एम्ब्री प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसमें लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं कि हमारी जो काइट वो कटेगी नहीं, मगर वो भी कट जाती है, मगर वो नुकसान देती है। जब बच्चे तारों के ऊपर से कांटी डाल के डोर नीचे खींचते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को वो गर्द कट जाती है, इसीलिए वो जो है ना नुकसान देते हैं। वो प्लास्टिक की जो है केमिकल वो भी नुकसान दे है, उसमें वो जहरीले केमिकल डालते हैं जो प्लास्टिक है। बिजली का जो है ना, बिजली का नुकसान जो है वो क्लच की तार से होता है, डोर से बिजली को कोई नुकसान नहीं होता। वो जो क्लच की तारें हैं ना स्कूटर वगैरह मोटरसाइकिल की ब्रेकों की, इसमें इस्तेमाल होती है, और वो टूटी तारें उठा के ले जाते हैं, उससे पतंगबाजी करते हैं, वो नुकसान दो। ये जो परमानेंट गेम करने वाले होते हैं ना, ये वो उड़ाते हैं, तो इससे पतंगबाजी का मुकाबला होता है। जो दूसरा होता है वो गुड्डा होता है, ये बसंत के बसंत उठता है। ये पतंग जो है ना,
ये इसका वजन ज्यादा होता है और ये दूर तक अपना वार करती है, उससे गेम नहीं होता, वो सिर्फ एंजॉय होता है। इसके काटने के गुड्डे को चांस 80% होते हैं, जबकि 20% जो चांस है वो गुड्डा काट सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं काजी रफीक साहब के छोटे भाई, ये इनके साथ अभी जब वो इसके बड़े भाई किला गुज्जर सिंह चले गए बाद में इसके साथ शौक होता रहा काफी, तो अब बच्चे जवान हो गए हैं इसलिए उम्र भी हमारी ज्यादा हो गई है, इसलिए हमने पतंगबाज जाते हैं मिंटो पार्क में शौक शौक देख कर वापस आ जाते हैं। कागज इस्तेमाल होता है ये पाकिस्तान की अपनी फैक्ट्रियों में तैयार होता है और इसकी भी मुख्तलिफ दर्जा बंदी होती है। सबसे बेस्ट जो कागज होता है उसको जर्मन पेपर कहते हैं और उसके बाद जो आता है वो फ्लाइंग का पेपर आता है और इसके अलावा एक पेपर होता है उसको चाइना पेपर कहते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान में तैयार होता है। कैट में जो बांस इस्तेमाल होता है ये इसको बांस कहते हैं और ये मुख्तलिफ मुल्कों से इम्पोर्ट किया जाता है, मिसाल के तौर पे ये थाईलैंड से और सिंगापुर से। सबसे जो बेस्ट होता है वो थाईलैंड का बांस होता है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके इर्द गिर्द एक धागा लपेटा जाता है जिसकी वजह से वो सीधे कायम रहती है। मार्केट में जो हमसे इर्द गिर्द लोग बैठे ये बेच रहे हैं, अगर ये बेच रहे हैं तो ये हमारा भी आवाम का भी नुकसान है। एक्चुअली ऐसी बात कोई नहीं, हम मार्केट सर्वे करें, इंसानी हमदर्दी के लिए ये बेहतर है कि इंसान केमिकल यूज ना करें, सिंपल डोर बेचे, जस्ट पसंद एक हमारा त्यौहार है, इसे मन बंदा खुशी अपने घर वालों के साथ मिलजुल के मिलाए, हमारी तो अपने भाइयों के लिए बस यही दे रहा है। अठ डीयर हैगी जे, 522 डीयर हैगी जे, 35 डीयर हैगी जे, मगर साढ़े को जर्सी है ना, अभी डीलर है तो ज्यादा वरायटी अभी डीयर की इस्तेमाल कर रहे हैं। पतंग बाजी टॉप धागा है डीयर का, जेबी कोर्स चल रहा है मगर वो भी ये मुकाबले एडी को बेस्ट कंपनी नहीं, मगर चल रहा है, मगर गाग तो पसंद है, ज्यादा डीयर पसंद कर रहा है। पतंगबाज भी और आम गाग तकरीबन 40 साल का डोर लाता, तजर्बा भी होना, साड़ी दुकान भी इतने पूरे तरह अंदर साडा सिस्टम सारा पतंगबाजा ना ज्यादा पसंद तो आ गया, एक महीना साडा आम काग ना पाला पड़ता, बकाया 11 महीने साडे पतंगबाजा नहीं पड़ता। पाबंदी बेसिकली पतंगबाजा नहीं लाई, उन्होंने लुटेरिया तो लाई है जो नुकसान का बाद पड़ रहे हैं, जब इंतजाम कर रहे हैं बड़े छेती करना सी, तकरीबन 100 बंदा फड़ के अंदर दिता सी, बकायदा पर्ची होना उन्होंने, तो इनका भी इंतजाम कर रहे उन्होंने वास्ते इंशाल्लाह ताला। मजबूत लोग जो है वो शांति के और ऐसे जो है
कारोबार है अलावा काम ही कोई नहीं करना चाहते यही अभी करना चाहते हैं तेरे सामने वाला समान क्या है यह असल लिक्विड है ये माया ये खड़क की माया जी लोग ओले बना फ्रूट भी लेते हैं जिला ओले जो पीते हैं यह शीशा चाहे रंग बात यह चीजें कमा लो बाकी सारा कमा लो और लोग इस माया खा भी सकते हैं अभी खा भी सकते हैं माया ऐसा डिजाइनिंग है हर जो डिजाइन होता है उसका एक मुख्तलिफ नाम होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिजाइन है इसको पाने कहते हैं और इसके अलावा ये एक डिजाइन है इसको सलारे कहते हैं जिसकी वजह से इनको उड़ाने के लिए धागे भी और डोरे भी जो है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं जो सारी तंग है इसके लिए दरमियाने दर्जे की या ब्रिक डोरे इस्तेमाल हो सकती है क्या बोल रहे हैं उड़ानी है या नहीं अभी उड़ाओ उड़ाओ और आपके पीछे काले में उड़ाओ नहीं आप उड़ा रहे हैं तो चलो उड़ाओ फिर उसको डी भर सकते हो या नहीं बस ठीक है संडे को पीछे काले ना आप पीछे लगा रहे हैं तो फिर लगाओ यार अभी तंगोगे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है हवा बहुत अच्छी चल रही है लेकिन करनी चाहिए ना आपने रात के पीछे रखे मतलब किया तुम डी पकड़ोगे ना उससे मैं लेके आ रहा हूँ संडे की रात को पेचे रख लेना चलो डाउन व्हाइट बिडो के रख ले डेढ़ डेढ़ तंग तंग डाउन तंग पांच ही तंग अगर डाली तो वो डाउन क्योंकि उसके साथ तुम ऐसा पेचा करोगे ना तो मैं चाहूंगा भी तुम मेरी आपकी आज चार तो काटी है मैंने पतंग के साथ नहीं तो मेरे पास कौन थे मेरे पास वो पिन्नी थी चार काट दिया आपकी छोटी सी पिन्नी से मेरे पास तो टोलियां ही डोर थी तुम्हारे पास तो अच्छी थी अगर मेरे पास अच्छी डोर होती ना मैं आपके साथ खाना तो खाया जश्न बहारा बसंत मेला
हफ्ते की रात को हो रहा है, उसमें से बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, खाने पकते हैं, बाहर से लोग आते हैं, होटलों में ठहरते हैं। और उसके बाद बसंत में खास चीज जो खाना पकाया जाता है वो पंजाबी में उसको कहते हैं गजरेला, पंजाबी में उसको कहते हैं गजरेला। वो गजरेला पकता है, फल आता है, खाते हैं, सारी रात पतंगबाजी होती है, जश्न होता है। और उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह पतंगबाजी होती है, गुड्डीबाजी होती है, खूब पतंगे गुड़िए आपस में मुकाबले होते हैं, वो काटा होती है। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? 10-15 पतंगे उड़ी होती है। कैचा शुरू हो जाता है तो जैसे पहलवान दाल ही मारते, ये उसने पुठी मारी है, ये उसने उल्टा मारा है, इसी तरह से ये दाव आते हैं पतंगों के और वजन तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जिसके ज्यादा अच्छी निकले, ज्यादा वजनदार हो, वो कैचा काट जाती है। तिल देकर खींच के डोर लगाते हैं अपनी तरफ से, हाथ कट रहेगी ना, हाथ भी चाहते हुआ उतरे, किस तरह हाथ मेरे बचते हैं। डोर लगाते हो, अगर तेज हवा आए तो सही डोर लगाते हो, घट हवा होए ना तो फिर हटकी हल्की डोर लगाते हो। तन के ऊपर, उंगली के ऊपर डोर रख के तो इस तरह डोर लगाएगी अच्छी तरह। खींचता हूँ तो दमी लगाता हूँ, फिर हवा तेज होए तो तंग टूट जाती है, ना टूटे तो फिर साड़ी वाड़ी हो जाती है। अगर जे मैं पतंग देना पेचा लावा ना, मैं गुड्डा चढ़ाया है, पतंग वाला मेरे ना नहीं ना पेचा कर रहा, तो मैं अंदर जबरदस्ती पेचा उत्तों ही जाके अंदर पेचा ला रहा, क्योंकि अगर वो मेरे ना नहीं ना पेचा लड़ा रहा, मैं उन्होंने वाज भी मारी मेरे पेचा ला, मैं कह मैं करना ही है, मैं उन्होंने उत्तों की नहीं तो थले वल पा के ना अंदर पेचा लावगा, पतंग की कनियों मार के तो बढ़ जाऊंगा अपने गुड्डे की फाग, मैं बचा के अपने गुड्डे ना। डोर बनाने का शौक जो है, ये हमारे बड़े भी यही काम करते थे, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे बड़े भी यही काम करते थे, वो उनको काम बरकरार रखा हुआ हमने, इसलिए यही काम हम करते। ये पतंगबाजी का जो हमें जो अपना शौक है, ये तो बचपन से ही है, क्योंकि जब हम बचपन में स्कूल से घर आते थे उस वक्त पतंगे आसमान पे उठती हुई देखते थे और उनको उड़ाने का हमें भी शौक पड़ता था, और हम अपने वालदेन से पेरेंट्स से पैसे लेके और ये पतंगबाजी का शौक करते थे। अब जो हम जवान हुए तो फिर तकरीबन 12-15 साल से हमने ये
पैशन बना लिए और अब इसी के ऊपर अपना गुजारा कर रही। ये साढ़े को काम करवाने से आए अपने बच्चों से, अपने हाथ से नहीं बच्चों से, तो बच्चे साढ़े सामने रहन, जो भी नुकसान है कंधी तार का ये साढ़े को डोर लगाने से आए अपने बच्चों से लगाने से आए हैं, बच्चे साढ़े अखा सामने रहन, बाहर निकलेंगे तो बाहर आने तफरी है बड़ी अच्छी, अपने घर घर की तफरी है, बाहर की तफरी भी नहीं, घर की तफरी है, अपनी छत से उत्तर करता अपने शौक, छोटी गुड्डी भी उठनी है, वीड्डी भी उठनी है, हो तो नहीं उठती वीड्डी गुड्डी, बड़े चीज़ें वीडियो गुड्डिया उठती हैं, जी चीज नुकसान पहुंचाती है बंद कर, साडा तार ना कोई वास्ता नहीं, कंधी ना कोई वास्ता नहीं, उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, साडा साफ सुथरा धागे का काम है, शीशा लाने तुम माया भी खा के दसती है, असं रंग भी तुम दसता है, माया तो अलावा होर कोई चीज़ नहीं, बाकी अच्छा अपनी मेहनत कर रहे हैं।